आप शो में किस तरह का जर्नलिज्म करके नजर आएंगे? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रहेगा? ये क्वेश्चन मुझे हर जर्नलिस्ट ने पूछा है। मैं सोची थी इस रूम में सवाल कब आएगा। शिवांगी, कई बार मैं चुप हो जाती हूँ ये सोच के कि यार मुझे सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। मेरे फेस पे भले आपको दिख जाएगा, बिकॉज मेरे आई थिंक एक्सप्रेशन से दिख जाएगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ या मैं जो भी, बट कई बार होता है ना आप फिल्टर करके चीज़ें बोलते हो। आपको ऐसी कुछ चीज़ नहीं बोलनी कि आपको सामने वाला, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों की कहानी है, तो मुझे पर्सनली जर्नलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग की जॉब बिल्कुल आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। यू नीड टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। कब कहाँ कहाँ कौन सी न्यूज़ कौन सी रिपोर्ट, आपको बहुत स्मार्ट बहुत एक्टिव रहना होता है। न्यूज चैनल को ओन करता हूँ, जैसे आप लोग की बॉस वाट लगाते हैं वैसे ही मैं आराधना की वाट लगाता हूँ दिन भर। और जो रियांश है वो सारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वगैरह उन लोगों को एक्सपोज करता है। वो किसी से डरता नहीं है, वो निडर है, नो फिल्टर है, नॉन कंफर्मिस्ट है, नॉन फेमिनिस्ट है, एक दीवार है उसके आसपास जो किसी को अंदर आने देता। पहली बात तो आप लोगों की कहानी है, जर्नलिज्म के बारे में है, तो जर्नलिस्ट की कहानी है। और हमारे शो में हम लोग लव स्टोरीज को लेकर जो हमारा टेक है वो काफ़ी डिफरेंट है। प्यार के सभी इमोशंस को बहुत ही बखूबी दिखाया गया है, बीट हार्ट ब्रेक बीट एनीथिंग एनी अदर इमोशंस प्यार से जुड़े हुए वो सारी चीज़ों को काफ़ी बखूबी दर्शाया है वो है। और जैसा कि मैंने कहा लव स्टोरीज का टेक बहुत अलग है हमारा, जो कि आजकल लोग खासकर की लड़कियां ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसे लोगों से प्यार में पड़ जाती हैं जो उन्हें पता है कि ये इंसान मेरा दिल तोड़ सकता है, दिल टूटेगा मेरा, बट यू कांट हेल्प इट। खतरे की घंटी सुन नहीं पाता है। आई होप तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे एम जैसी खराब ना। बरसातों में बहुत कुछ होता है, ये बरसातें मौसम प्यार का। बरसातों में भीड़ भी बहुत होती है, बरसातों में ट्रैफिक भी बहुत होता है, बरसातों में खाने का मन भी बहुत करता है। और मौसम क्या होता है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है मतलब, तो मौसम मूड बन जाता है किसी भी चीज़ का जिसका आपको मूड हो, चाहे खाने का मन हो चाहे प्यार करने का मूड हो। सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग की जॉब बिल्कुल आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। यू नो यू हैव टू बी लाइक ऑन योर टोज ऑल द टाइम। कब कहाँ कहाँ कौन सी न्यूज़ कौन सी रिपोर्ट, आपको बहुत स्मार्ट बहुत एक्टिव रहना होता है, सो वो है। और जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसे मैं आपको किसी और का इंटरव्यू लेते हुए देखूँगी शो में, तो ये सारी चीज़ बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। और बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे आप लोग पे प्रेशर्स होते हैं यार, किसी की कोई स्टोरी कैसे करता है, किसी और को स्टोरी करनी होती है, किसी को स्टोरी पहले मिल जाती है वो करता है, दूसरे इंसान को कितनी दिक्कत होती है, दूसरे इंसान की कितनी प्रॉब्लम लड़ाई करते हैं कि वो स्टोरी उनकी थी, बट जो आपके बॉस होते हैं जो मैं हूँ मुझको एक फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, मुझे मतलब नहीं कि आप लेकर आएंगे आप लेकर आएंगे, अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मुझे स्टोरी चाहिए। तो यही सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, कैसे होता है आप लोग की इंडस्ट्री में, कैसे आप लोग क्या क्या कठिनाइयाँ झेलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे हर जर्नलिस्ट ने पूछा है। मैं सोची थी इस रूम में सवाल कब आएगा। तो इस शो में मैं जब शुरुआत में आपको दिखूंगी जहाँ मैं वो वाली जर्नलिस्ट हूँ जहाँ पे मैं सेलिब्रिटीज को कवर करती हूँ, फैशन कवर करती हूँ, स्पॉटिंग जो करते हैं एक्टर्स की वो कवर करती दिखूंगी। फिर उसके बाद जब मैं जिस ऑफिस में हम अभी बैठे हैं, जो नेशन ट्रू है, जो रियांश लांबा का ऑफिस है, वहाँ पे मैं आपको और थोड़े मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म करती हुई दिखूंगी, जहाँ पे वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स या बड़े बड़े मुद्दे जो दुनिया में हो रहे हैं या पंगे या सारी वो सारी चीज़ें आप ही लोग प्ले कर रहे हैं। मैं न्यूज़ चैनल को ओन करता हूँ, कैसे आप लोग की बॉस वाट लगाते हैं वैसे ही मैं आराधना की वाट लगाता हूँ दिन भर।
ओटीटी और टेलीविजन आई फील दोनों की ना अलग अलग ऑडियंस है, तो दोनों का कंटेंट भी अलग है. तो आई थिंक इट दैट इज द ओनली डिफरेंस कि कंटेंट दोनों का अलग है. आई थिंक ओटीटी का कंटेंट टीवी के हिसाब से काफ़ी बोल्ड है और उनकी अलग ऑडियंस है, टीवी की अलग ऑडियंस है. दैट्स इट आई थिंक. बस कंटेंट का फ़र्क है, बाकी प्लेटफॉर्म वहाँ भी एक्टिंग कर रहे हैं, हम यहाँ भी एक्टिंग कर रहे हैं, हम परफॉर्मर्स हैं, सब जगह परफॉर्म ही कर रहे हैं. प्लेटफॉर्म में आई थिंक बस आई थिंक कंटेंट का डिफरेंस होता है और आई थिंक हर प्लेटफॉर्म की एक अलग ऑडियंस है. OTT का कोई अच्छा आपको शो ऑफर हो तो आप सीरीज ऑफर हो तो आप देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देखूंगी. आई थिंक एज एन एक्टर आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड डू मोर, डू बेटर प्रोजेक्ट, बिगर प्रोजेक्ट. तो बिल्कुल फ्यूचर में कुछ अच्छी स्टोरी, अच्छा कुछ स्क्रिप्ट आया जो मुझे लगेगा कि मैं पर्सनली कुछ नया सीखूंगी इससे, कुछ नया करूंगी और जो अच्छा लगेगा, जो मेरी फैमिली को, मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, आई विल डेफिनेटली डू इट. मैं एक्टर हूँ, कोई भी मीडियम में अच्छा काम मिले तो मैं करता हूँ. बेहद के बाद मैं OTT में था, मैं 3 वेब सीरीज़ की थी, एक जी पैर की मूवी की थी, तो मैं उसमें बिजी था. फिर उसके बाद कोविड आ गया, फिर मेरे को 6 महीने बेड रेस्ट पे था, मेरे बैक पे इंजरी हो गई थी. फिर मैं थाईलैंड गया था ट्रेनिंग करने मार्शल आर्ट्स में. उसके बाद ये शो आ गया. शो की लव स्टोरी बहुत अच्छी, टीवी पे हमेशा था कि अच्छी लव स्टोरी आएगी बेहद के बाद तो वो करेंगे. तब तक कोई अच्छी स्टोरी आई नहीं थी, तब तक OTT करता था. उसके बाद ये लव स्टोरी आ गई, बिकॉज साथ में वो ड्रामा मैं कर नहीं पाऊँगा. लव स्टोरी का ही वेट करना था कि बेहद से अच्छी लव स्टोरी क्या होगी. तो ये मुझे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही अच्छी लगी. तो ऑब्जर्वेशन ही किया मैंने, बिकॉज ऐसे ही जर्नलिस्ट हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, ऑल्सो माई फ्रेंड्स, सो यू नो उनसे बात की. और मैंने एक चीज़ की, मैंने अपने इंटरव्यूज जाके देखे जो कई लोगों ने मेरे इंटरव्यूज लिए हुए हैं. बिकॉज देयर इज अ सीन इन दिस इन माई शो जहाँ पे इनिशियल एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू कर रही हूँ शो में. तो उसके लिए मैंने अपने पुराने इंटरव्यू जाके देखे और वो चीज़ ऑब्जर्व की, यू नो हाउ दे टॉक, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सवाल पूछ रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तब मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे कोई किरदार प्ले करने वाली हूँ, तो उस चीज़ पर मैंने इतना ध्यान तब नहीं दिया था. तब मेरा ध्यान सिर्फ सवाल पे था और उसको जवाब देने में था. लेकिन अब उनके सवाल पूछने के तरीके पे दिया और उसी तरीके से मैंने शो में उसे बोला. मेरे थोड़े बहुत जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनसे बात करके थोड़ा बहुत कि क्या होता है, कैसा होता है, तो उसी को थोड़ा मिक्स एंड मैच किया. इससे रेयांश और कुशाल में बहुत सिमिलैरिटीज है, मतलब 100% में से 50% रेयांश कुशाल रेयांश है. तो वो इजी हो जाता है उस पर वर्क करना. और वो हाव भाव, चाल चलन, कैसे चलते हैं, क्या होता है, वो एटीट्यूड टूवर्ड्स, तो जो एक शख्सियत की, कैरेक्टर की एटीट्यूड, पर्सनालिटी होती है. ये एक ऐसी लड़की है जो डरती नहीं है और जर्नलिस्ट है तो ऑब्वियसली यू नो बेखौफ होकर चीज़ें करती है और सोचती नहीं है कुछ अपना पॉइंट रखने से पहले. तो जो दिल में होता है शायद वो सामने वाले को उसको लग रहा है कि शायद सही नहीं लगे, बट उसको दिल में लग रहा है कि मुझे बोलना है और ये सही है, तो वो बोल देते. गुड मॉर्निंग सर. बदतमीज़ एज शिवांगी. कई बार मैं चुप हो जाती हूँ ये सोच के कि यार मुझे सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना. मेरे फेस पे भले आपको दिख जाएगा, बिकॉज मेरे आई थिंक एक्सप्रेशन से दिख जाएगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ या मैं जो भी, बट कई बार होता है ना आप फिल्टर करके चीज़ें बोलते हो कि आपको ऐसी कुछ चीज़ नहीं बोलनी कि आपको सामने वाला हर्ट हो जाए. यू ऑब्वियसली डोंट वांट टू हर्ट द अदर पर्सन. तो वो है, बट आई थिंक इस कैरेक्टर में सर की ये बात है कि इसमें फिल्टर नहीं, वो बोलते. और जो रियांश है वो सारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वगैरह उन लोगों को एक्सपोज करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो निडर है. मेरी ये रियांश से अकड़ छूटती नहीं और खबरें ये छोड़ता नहीं. वो फिल्टर है, नॉन कन्फर्मिस्ट है, नॉन फेमिनिस्ट है, एक दीवार है उसके आसपास, वो किसी को अंदर आने देता नहीं. लड़कियों से खास प्रॉब्लम है उसको, उसको ट्रस्ट इशूज है, प्यार के इशूज है. वो कोई बैक स्टोरी है उसकी मॉम की वजह से, वो आगे कहानी में आएगा. ड्रीम रोल, मेरा ड्रीम रोल क्या है?
यार ड्रीम रोल तो ऐसा कोई रोल नहीं है कि मैं चाहूँगी कि मैं वो करूँ, बट मुझे ना पर्सनली मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है, तो मैं चाहूँगी कि मुझे मौका मिले जहाँ पे मैं वो भी शोकेस कर पाऊँ, क्योंकि शो में भले ये रिश्ता में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, उसमें मैंने एक और किरदार जिया है सीरत का भी, जहाँ पे आई वॉज अ बॉक्सर, तो वो है, बट मुझे ना पर्सनली एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, और टीवी में अभी मुझे लगता है हमने उस लेवल का एक्शन अभी तक देखा नहीं है, जहाँ जब देखा होगा तो सॉरी मुझे पता नहीं है, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि वो होता है फुल एकदम फुल 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 ऑन एक्शन, वो मैं करना चाहूँगी या बाकी आई थिंक मुझे नहीं जो मैंने किया है मैं वो सभी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। मैं लखनऊ से हूँ तो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द मैं एक वेब सीरीज करूँ या कुछ पिक्चर करूँ या कुछ करूँ जिसमें समथिंग लाइक मिर्ज़ापुर, इसमें रॉ हो, इसमें मेरे लुक्स ना देखे जाए, इसमें मेरी एक्टिंग देखा जाए, इसमें रॉ बिना बाल बनाए हुए बिना मेकअप किए हुए एक यूपी का कैरेक्टर, यूपी आइट का, बिकॉज मैं लखनऊ से हूँ, मेरा लिंगो मेरी लहजा वैसा है, तो मैं वैसा बिल्कुल समथिंग लाइक गैंगस्टर समथिंग लाइक वैसे करना चाहूँगा। हाँ डन है ना, हो गया ना।